सचिया कैरेक्टर ये जब से वो संभाले तब से व्यवसाय चल रहा है, ये हमारे टीम की वजह से चला रहा है। पूर्व के किसान भी आपके पास पान के पत्ते बेचने आते हैं? पहले आते थे, अब इस समय नहीं आ रहे हैं। ये 10 वर्ष पहले तक आते थे, उसके बाद किसानों को मुनाफा न समझ में आने के कारण सारी खेतियाँ बंद कर दी है। ठंडी में मुनाफा होता है और गर्मी में इसमें ज़्यादा नुकसान भी होता है। जैसे वो लेकर आते हैं कैश क्रॉप हो जाता है, हैंड बाई हैंड जो मार्केट आता है उस हिसाब से उसका दाम मिलता है। अभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद गाजीपुर पान की खेती के लिए चयन किया गया है। इसमें 30 किसानों को ये सुविधा दी जानी है। टारगेट 30 किसानों का आया हुआ है। प्रत्येक किसान को 500 वर्ग मीटर का बरेजा बनाना है, जिसका खर्चा 50,000 रुपये के लगभग है, जिसमें 25,226 रुपये का अनुदान किसान को दिया जाएगा। इसके लिए कृषि की वेबसाइट पर जाके उद्यान विभाग का साइट खोल के ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और आवश्यक अभिलेख जैसे खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह हमारे यहाँ जमा करने होंगे। उसके बाद पान की खेती करेंगे और हमारे सत्यापन उपरांत उसका भुगतान कर दिया जाएगा उनके खाते में। तो किस तरीके से उनको अवेयर किया जा रहा है? हमने देखिए समाचार पत्रों में भी दिया है, किसान गोष्ठी में भी कहा है, किसान दिवस में भी कहा है, और जहाँ भी किसान भाई हमसे मिलते हैं, जहाँ 4 किसान भाइयों को इकट्ठा होते हैं, सबको बता रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसकी खेती का लाभ उठाएं और अच्छी इसमें कैश क्रॉप है और अच्छा लाभ हो सकता है। पारंपरिक खेती से कितनी अलग है, अगर किसानों की आय दोगुना करने की अगर बात करें? नहीं देखिए, बस इसमें दिक्कत ये है कि पारंपरिक खेती से तो अलग है, लेकिन अभी एक एक विशेष समुदाय से जुड़ी हुई खेती है, इसलिए लोग इसको अपनाने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा किसी भी किसान भाई के लिए इसको अपनाना चाहिए और इससे लाभ, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल के रूप में है, तोड़िए और तुरंत इसके नगद प्राप्त करिए, इसलिए बहुत अच्छा है और किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित।